ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त युनि सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुग आद सच हैपी सच मानक होसी पी सच इको ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनि सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच इको ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनि सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच तन गुरु नानक 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 बाबा जी दी बरसी दा दिहाड़ा है। तन तन बाबा नंद सिंह जी महाराज। बाबा जी तो पहलों इस जगह नू कोई नहीं जानता सी, इंदी कोई कीमत ही नहीं सी। बेअबाद जगह ते भूत प्रेत दा वासा सी, कोई इस पास्यों लंघदा ही नहीं सी। ये फालतू जगह बहुत ज्यादा जिगराओं दे लोगों दे गवाड़ दी जगह सी, बेआबादी पई हुई सी जंगल। बाबा जी ने कहा भाई असी इत्थे टिकाणा करना। नगर वालिया ने जदों पछाणिया बाबा नंद सिंह जी नूं भी, इहदा बहुत छोटा हुंदिया ही इह घरों चला गया सी। मिस्त्रियां दे रामगढ़िया कुल दे विच्चों सी। पहलों तां उहनां ने टिचरां मखौल कीती बाबा जी नूं। बाबा जी पिंड विच आए अपने च, साधु सन उस समय बने हुए, कंबली रखते सी ओढ़ के, काली कंबली ओढ़ के रखते सी उपर, हाथ में जड़ वाला लोटा हुंदा सी साधुआं वांगू। बहुते कपड़े नहीं सन, भोजन गुरु नानक साहब भेज देंदे सी बहाने नाल। बाबा जी ने पिंड वालिआं नूं पुछिआ भाई असी रैन बसेरा करना है, कोई सानू जगह दसो। मुंडे सन मंडीर कठी हुई, कहंदे बाबा ओ जगह बड़ी वधिया है, उत्थे चला जा। रात उन्हूं कहंदे सी नौ गजिए दी जगह, बड़ा बड़ा उत्थे प्रेत रहिंदा सी जिंदा नौ गज लंबा शरीर सी। नौ गज जड़े ने तीह पैंती फुट बन जाते मेरे ख्याल, एक गज च तीन सवा तीन फुट होंदे आ।
इन्ना जिंद जिस आदमी का 30-35 फुट लंबा कद सी वह उत्थे रहिंदा सी प्रेत कई है समयां दा भटकिया होया सी आखो सी जिहड़े भूत प्रेत जिन बनदे आ ना ओही बनदे आ जिहड़े रब दे राह ते तुरे होए भटक जांदे आ जां बुराइयां करन लग जांदे आ जां गलत काम करदे आ किसी नूं दुख देना किसी नूं सुख पूजा अपनिया कराउंदे आ ਇਹ ਉਹੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿੰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸਹੀ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੈਂਤ ਬਣਦੇ ਆ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਮੰਤਰ ਕਮਾਏ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਦੀ ਜੂਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕਮਾਈਏ ਪੁੱਛ ਜਣਾ ਜੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰੀਏ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਮਾਈਏ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਮਾਈਏ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਆ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਕਰਾ ਲਵੀ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਖਾਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰੇ ਜਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੱਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੀ ਮਹਾਂਦਿਓ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਿੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਦਿਓ ਅਹਮਿਓ ਕਰ ਆਪ ਕੱਢਿਓ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੀਨਾ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਵੀ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਸੰਗੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ ਮੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਾਈਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਗੱਦੀ ਜਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਨਾ ਹੈ ਖੋਟਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਭਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਨਾਮ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦਾ ਚੰਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
कि पृथ्वी का जो चंद्रमा हो सकता है तो चंद्रमे को कलंक भी लग सकता है, जे तू पृथ्वी का चंद है ना तो चंद कलंकी भी हो जाता है। कर्म कर कलंक मुफी टसरी। बड़ी वड्याई की चंद्रमा की के शिवजी दे मत्थे दे वसदा है, इवें करके सारस्वती सारा कुछ लिखे अखीर ते रेखा कर्म कर कलंक मुफी टसरी, उन्हों कलंक है। पृथ्वी चंद भी है, महादेव भी है, ते उस समय गुरु अर्जन देव जी भी है। हुण देखो पृथ्वी चंद बारे उन्होंने की किया है, मीना हुआ पृथ्विया, पढ़ो मीना हुआ पृथ्विया, गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरगद्दी ते बिठाए गए। मीना हुआ पृथ्विया कर कर टेढ़क बुल चलाया, उन्हें भी टेढ़े चल चल के ना अपना काम चला लिया, अर पाप विच रुड़ा रप्पा पा लिया है पूरा। पृथ्वी चंद ने टेढ़ा चल चल के गुरु तो अपना सब कुछ कर लिया, उन्हें गुरु अर्जन देव जी ने गुरगद्दी दे गुरु रामदास जी ने कृपा की थी। कहिंदे जिस समय गुरु अर्जन देव जी दे सीस ते दस्तार सजाउण दी तैयारी की थी ना, ते बाबा बुढ़ा जी ने कहा भी तुसी दस्तार बनो कि हुण गुरु रामदास की थां ते गुरु अर्जन देव जी होणगे, ते गुस्से नाल पृथ्वी चंद आया ते पग खो के लै गया। गुरु अर्जन देव जी उन्हां दे सिख होण लगे दुआले, गुरु साहब ने कहा भी शांत हो जाओ, इंदा तप है, इंदी सेवा है। ये पहलो सेवा गुरु रामदास वेले कर रहा सी, हुण इहने उह सारी सेवा गवा लैणी है। आखो हुण गवाउण ते आ गया, हुण इहने जिहड़ा कदम पट लिया है आपदा जपिया होया नाम कीती होई सेवा ते लईआं होईआं बख्शीशां सारीआं रोड़ जाएगा, एवें लै जाण दिओ पग। बाबा जी पग विच कोई नहीं पिया, सब कुछ गुरु रामदास दी नज़र विच। धन धन रामदास गुरजन सिरिया तिने सवारिया। उस समय दस्तार भी खोली, फिर राह भी रोक ले, संगतां कोल भी जान लग पिया। हुण गुरु अर्जन देव जी कहिंदे शांत रहो, नाम जपो, बाणी पढ़ो। भाई गुरदास जी आगरे तो आए, गुरु अर्जन देव जी गुरगद्दी पर विराजमान ने। जदों आगरे तो आए, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों ते सिर रखिया, मत्था टेकिया कि साढ़े पंजवें पातशाह ने, तीजे सी चौथे सी तीजियां दे भतीजे सन, चौथे सी अज पंजवें पातशाह, मत्था टेक के ते वेखिया कि गुरु अर्जन साहब महाराज का जिहड़ा लंगर वरत रहा है ना, किसी नूं रोटी मिल रही है, किसी नूं नहीं, किसी नूं सुकी रोटी मिल रही, किसी नूं अद्धी रोटी मिल रही है, कि लंगर मस्ताना है। गुरु अर्जन देव जी ने कहा भी गुरदास नूं कहा भी तू चला जा माता जी कोल, उत्थे जाके लंगर छकना। माता भाणी जी सन, गुरु अर्जन देव जी ने भाई गुरदास जी नूं माता भाणी जी कोल भेजता, वह भी शांत मूर्त ने, उन्हां नूं भी माड़ा बोलदा पृथ्वी चंद, महादेव भी
कहिंदे ने तीन गद्दियां ला के बैठे ने गुरु अर्जन साहब अमृतसर दे विच। गुरु अर्जन साहब का काम शांत ठंडा है, पृथ्वी चंद मीना है, तो टेढ़ा चल चल के आपका बरल बधाया होया है, चलाया होया है। तो दूजा ती जिहड़ा दूजा पोते गुरु साहब का उन्हें बारे सुन लो अगली पंक्ति। मां दियो हम यो कर कर बेमुख कुत्ता पौकाया। कहते मां देव बेमुख हो गया है, कहते इन्हें गुरु राम गुरु अर्जन साहब नु मत्था नहीं टेकिया। गुरु रामदास ने कहा सी ने वजो उतरो हुण यही मालक ने। ते मां देव नु तां माड़ा बहुत बोलिया। कहिंदे महादेव हमें अहंकार करके कि मैं सिद्धियां रिद्धियां सिखिया होया, मैं गुरु दा पुत्र हाँ, मैं अर्जन गुरु अर्जन साहब तो वड्डा हाँ। कहिंदे हमें ओ करके बेमुख बेमुख कुत्ता भौंकदा फिरदा खुशी। एक गद्दी वाले नु कहा भी कुत्ता भौंकदा है, एक नू क्या खोटा है मीना है। तन तन बाबा कुंदन सिंह जी की अवस्था च असी ये सीन तके ने सारे। जे कोई माड़ा बोलता सी तो परवाह नहीं करते सी, कई साल भावें कोई बोली गया वो सुनी गए। तो इन्ना कह के चुप कर जाते सी भी कुत्ता ही भौंकदा आखो श्री वाहे। अज भाई गुरदास जी भी लिख रहे ने कि महादेव अहम्यो कर हंकार कर करके ये बेमुख कुत्ता भौंकता फिरता है। अगे जी चंदन वासना वास बुहाया रह रह के खोल कर करके संगत चंदन दी केंदे वास विच सुगंधी आ ही नहीं सकी। चंदन दी वासना दे नाल कदी वासा विच सुगंधी नहीं आउंदी, क्योंकि हंकार है। उन्हें कहा भी एवें ना वधिया जे बड़े बड़े गद्दियां चलाउंदे आ हंकार विच, डेरे भी बना लेंदे आ, चेले भी बना लेंदे आ, बोर्ड भी बड़े 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 ला लेंदे आ। पर सतगुरु कहिंदे ठीक है, कहिंदे ने डेरे भी बना ले, गद्दियां भी बना लियां, चेले भी बना ले, संगत भी ला ली, मगर कहिंदे ए ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੂਡਿਆ ਇਉਂ ਮਤ ਬੂਡੋ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬੜੀਆਂ ਲਗਰਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਵਧਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਥੱਲਿਓ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਗਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਟਾਣ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਸ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਵਧਿਓ, ਇਹ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ। ਇਉਂ ਮਤ ਬੂਟੋ ਕੋਏ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਕੇ ਨਿਕਟੇ ਵਸੇ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਈਆਂ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾ ਲਈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਵਾਸ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਈ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਵਧਿਆ ਜੇ, ਵਾਸ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਫੈਲਿਓ, ਚੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਕਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਦੇ ਪਾਠੀ ਆ ਜਾਣ। ਆਪ ਕੀ ਕਥਾ।
लेंटर पाया, अजे चल ही रहा है, दो चार दिन चलना है। तो बाबा जी का कार्ज हूँ ही आ जाओ स्टेज पर आ जाओ। तुम कहो कि कल वाले चढ़ाता सी सानू, बैठ जाओ जिथे मर्जी बैठ जाओ, जिथे खुशी बैठ जाओ, सेवा करया करो, डट के आया करो, बठल चको। तकरीबन ये सारा छत पौन लगियां बहुत वड्डी, जिंदे थले कई ट्रकां बसां कारां गड्डियां आ जाण करनगियां पार्किंग। ते गर्मी च बहुत गर्मी हुंदी है ते भादरों दे विच, ते ओह सारा ही थल्यों ठंडा होएगा। बहुत वड्डा लेंटर जिहड़ा तैयार कर रहे हैं, इस बरसी ते तां नहीं होना, तकरीबन 50,000 स्केयर फुटे, 50,000 स्केयर फुटे, जिंदे ते बाबा जी ही जानते हैं, क्योंकि एक स्केयर फुटते 1,000 रुपया लेंटर लेंटर ते खर्चा आ जाता, थमड़ियां दे ते लेंटर ते। ते 50,000 ते कई करोड़ा लग जाना है, कोई थोड़ी माया नहीं होंदे ते लगदी। 50,000 स्केयर फुट एक ते लेंटर पाउण दा, थमले करन दा 1,000 रुपया खर्चा आ जाता है, ते 100 फुट ते लख आ जाता है, ते 1,000 फुट ते 10 लख रुपया खर्चा आ जाता है। ये 10 लख नूं 50 ते कर लो, एक बाबा जी दा है कार्ज, सतगुरां दा है करना, उन्होंने शुरू करने वाले साडे कोल नहीं कोई हुंदा कि कोई माया हुंदी है जां कोई हुंदा है। बाबा जी आप ही पर्दे ढक लैंदे ने, आखो श्री वाहिगुरु। पत परमेश्वर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी, वो आप ही अपने सेवकां दे कार्ज करदे आ, आप ही पर्दे रखदे आ। ते मंदर वाले पास्यों तकरीबन जारी संगत आ रही है, इत्थों दे चारे पासे पिंडां दी संगत, फिर सारे संतां महापुरशां कोल तैयारियां हो रही हैं बरसी दी, कोई किते सेवा करदा कोई किते। ते अपने बाहरों स्थानों तो संगत आ के इत्थे लेंटर विच लगियां ने। बाबा जी आपदा सिर ते हथ रख के जिहड़ा अपना कार्ज कर लैन, पर सतगुरु परमेश्वर किन्ना नाल है। भावें महादेव बहुत गलत फलत बोलता है, हर वेले ही बोलता है। भाई गुरदास जी नूं गुरु दे पुत्रां बारे बाणी च लिखना पिया, उन्दे बारे वो चल ना सके, उन्होंने बाणी च लिखिया, देख ना सके कि महाराज सच्चे आ, महाराज दी कमाई है, ये सारा कुछ पिछे ले जांदे आ। बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास जी आपस विच मीटिंग करके ना, जेड़े पासे संगतां आउंदियां सी अमृतसर नूं, ज़्यादा इधर कश्मीर पाकिस्तान दे सारे इलाके विच, बलख बुखारा सारे अरब दे इलाके विच, इधरों उधरों लाहौर वाले पासे सारियां संगतां पहलों लेंदे पासे ज़्यादा आउंदियां सी। इन्हां ने फिर लेंदे पासे पिपल दे थले, पिपली दे थले टिकाणा कर लिया। बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास जी उत्थे बैठ गए। हुण संगतां जिथे जाणदियां सी पृथ्वी चंद नूं बहुत ज़्यादा कि वड्डा पुत्तर है, गुरु अर्जन साहिब नूं नहीं कोई जाणदा सी इन्ना, इन्हां नूं जाणदे सी। भाई गुरदास ते बाबा बुढ़ा जी नूं बारे सब नूं सोझी सी,
क्योंकि सारे गुरुओं वेले पूरा सत्कार सी, तिलक लाउंदे सी, गुरगद्दी बिठाउंदे सी। रोला पिया है ते बाबा बुढ़ा जी फिर पिपली वाली थां ते बैठ के आईयां संगतां नूं दसदे आ वी तुहाडे कोल दसवंध जिहड़ा है ना, जिहड़ी भी सेवा है सीधी गुरु अर्जन साहिब कोल लैके जायो। राह विच तुहानूं मसंद मिलणगे पिरथी जांदे बंदे, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦਸਵੰਧ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਾ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਸਰਾਪ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰਾਪ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੱਕਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। महादेव जे तू गुरु का पुत्र है तो बेमुख भी है, तू कि गुरु के कहते मथा टेकता गुरु अर्जन साहब नोन ने। फिर आस में रह की भी सारा ये पेश नहीं जान देंदे बाबा गुड्डा तो भाई गुरदास जी, तो आप कोई होर भी ऊतबंदी लाइए। व्योतबंदी फिर यह की चिट्ठिया भेजिया ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਦਸਵੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਸਵੰਧ ਸਭ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਛੱਡੋ ਖੈੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੱਡੋ ਖੈੜਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਲਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ, ਗੱਦੀ ਦਾ ਲਾਲ ਹੀ ਮਹਾਂਦੇਵ ਨੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨ ਤਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਡੁੱਬਿਆ ਬੇੜਾ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਆਖੋ ਸੀ ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਰਨਗੇ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਨਾ ਤੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਤਾਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹੀ। ਆਖੋ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਹੰਕਾਰੀ ਝੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਪਟੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟੀ ਵਸਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣ। ਆਓ ਧਾਰਨਾ ਲਾਈਏ। ਜੀਰਾ
ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਗਿਆ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ ਜੀਵਨ साधु मिलिया मेरा जीवन सुवार गया रब वरगा साधु मिलिया मेरा जीवन सुवार गया ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬੇ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਗਿਆ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਗਿਆ ਆਪ ਤਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀ ਆਪ ਤਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀ ਆਪ ਤਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀ ਆਪ ਤਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀ ਆਪ ਤਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀ ਆਪ ਤਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰ ਗਿਆ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਗਿਆ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਗਿਆ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵਾਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਵਾਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਾਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਾਰ
पार गया सेवा गुरु ग्रंथ दी कीते अपना जीवन पार गया अपना जीवन वार गया रब वर्गा सी साधु मिलिया साडा जीवन सवार गया साधु मिलिया जीवन सवार तपते मनानू ठार गया नजर मेहर दी कीती मनानू ठार गया जिसते नजर मेहर दी कीती तपते मनानू सी ठार गया जिसते नजर मेहर दी कीती तपते मनानू जिंदे ते नजर मेहरदी कीती तपते मनानू सी ठार गया जिसते रब वर्गा साधु मिलिया साडा जीवन सवार गया रब वर्गा साधु मिलिया जीवन सवार गया रब वर्गा साधु मिलिया साडा जीवन सवार गया रब वर्गा साधु मिलिया साडा जीवन गासी साधु मिलिया जीवन सवार गया रब वर्गा साधु मिलिया जीवन सवार गया रब वर्गा साधु मिलिया
निरंकार गया असी मूर्खा ने कदर ना की साडे रंग निरंकार गया असी मूर्खा ने अदर ना की अगो लंग निरंकार गया असी मूर्खा ने कदर ना की अगो लंग निरंकार गया मूर्खा ने अदर ना की अगो लंग कदर ना की थी अगो लंग निरंकार गया असी मूर्खा ने कदर ना की थी अगो लंग निरंकार गया मूर्खा ने कदर ना की थी अगो लंग निरंकार गया असी मूर्खा ने कदर ना की थी अगो लंग निरंकार साधु मिलया जीवन संवार गया रब वरगा साधु मिलया जीवन संवार गया वरगा साधु मिलया सदा जीवन संवार गया रब वरगा साधु मिलया सदा जीवन संवार पुरश अखा दे अगों लंघ जांदे पर भगवान कृष्ण ने कहा सी भी जे असी समय दे अवतार आना अर्जना साड़ी माया भी बड़ी परबड़ है कहिंदा महाराज तुहानूं लोग समझदे क्यों नहीं जानदे क्यों नहीं इन्नी विरोधता क्यों तुहाडी कर रहे ने जन्म तो पहलों सारे भैन भरा मरवाए रोता ही नहीं कि ना सुन के ही जन्म तो पहलों सारे भैन भरा मारता मां प्यो जेल च तक फिर भी कंस पिछे लगे आ रहे बड़िया बड़िया विरोधता हुई सारा इतिहास गुआ इधर आप परमेश्वर आप राम अयोध्या दे विच अवतार धारदे ने दशरथ दे घर ते गुणा की कोई कमी नहीं सुंदर स्वरूप की कोई कमी नहीं जड़ी उन्हां दे घर सीता माता है वो राजे जनक की लड़की है जानकी सारे भाई बड़ा सत्कार करते पर अज जिन्ना नहीं जानना सी उन्होंने 14 साल लई घरों कढ़ता बनवास देता निरंकार ने सारी सृष्टि वासे अज सिया राम सिया राम सिया राम सिया जग पूजदा है वो भी सी जिहड़ा सीता नूं चोरी कढ़ के लिजाण वाला सी दोजकां च पाउण वाला सी वो भी बंदा संसार सी जिन्ने वड्डे महापुरश गुरु पीर अवतार आउंदे आ उन्नी विरोधता पैदा करदे आ कंडियां विच ही फुल खिड़दे आ ये बाबा कुंदन सिंह महाराज जी सी असी तो सारे समय वेखे बाबा जी दे चरणा दे विच धन बाबा कुंदन सिंह जी आप रब ने आप निरंकार ने सर्व शक्तियां दे मालक ने
अज उन्होंने बड़ा कुछ दिता है, कोई अंत नहीं। एक बारी समा सी, मैं कंबल पिछे ही बाबा जी नाल रुस पिया, एक कंबल पिछे ही उन्होंने कहिंदे भाई कमाइया कर ला, कंबल तो तेरे पैरां च रोलदे फिरनगे, हुण आग्या च रह के कमाइया कर ला। एक वारी चोड़े पिछे बड़ा रुसिया, वह हुण चेते आउंदा है कि चोले तो हुण रोज़ ही संगतां पा के लई आउंदियां ने, बाबा जी तुहाडे वास्ते चोला लियाए आ, कशहरे कुड़ती पग सारे बस्तर बने बनाए, दिन च एक बार दो बार तीन बार संगतां देंदियां। पर वह समा याद आउंदा है जदों चोला मंगे तो नहीं मिलिया मुर्शद कोलों। मुर्शद की कमाई करनी, मुर्शद को कमाई करनी जड़ी बड़ी चीज है। उन्होंने कहा ये चीज़ा जड़िया तुसी आज मंग दे जे, आज सेवा कर लो, सिमरन कर लो, आग्ञा मान लो, हुक्म च रह के भगती कमा लो, ये जड़िया चीज़ा मंग दे जे तो तुहाडे चरणा च रुलनिया है। बाबा ईश्वर सिंह जी इस जगह पर विराजमान होए, कुछ बंदियां ने बोलिया कहिंदे देखांगे जदों ये चेलियां नूं सेवकां नूं रोटी पूरी कर सकेगा। असी रिकॉर्ड नहीं कीतियां पर गल्लां सानूं भी बड़ियां बोलियां गईयां जदों असी दिल्ली गए, मगर देखांगे असी दिल्ली दी संगत ने नहीं जाना, कित्थों बिल दे आओगे, कित्थों तेलां तेल दे खर्चे पूरे करोगे, सारा खर्च पुछो तां दिल्ली वाली संगत ही चलाउंदी है। बड़ा कुछ उन्होंने आखिया, बड़ा कुछ बोले। एक बार असी जाण लगे उत्थे भी, चलो बाबा खेम सिंह जी महाराज ने पाठ चलाउंदे सी, राशन भेजदे सी, भी असी भी भेज दिए। उन्होंने अगों सुनेहा भेजा कि राशन तो असी कला कला इत्थे दे सकते हैं, सानू तुहाडे राशन की लोड़ नहीं, तो असी तैयारी कर ली संगत की। किसी ने कहता सानू पूरी रेल च सीटा भी करा ली सारे, उन्होंने बरंग फिर स्टेशन तो मोड़िया भी इत्थे ना बड़े हो, भुलेखे पै जांदे सानू। बाबा ईश्वर सिंह महाराज नूं कहा देखांगे कित्थों रोटी पूरी करेगा सेवकां नूं, कित्थों चोले देवेगा, कित्थों खर्चे करेगा। बाबा ईश्वर सिंह जी कहिंदे बाबा रोटी तां इत्थे कुत्तियां तों भी वाधू हो जाएगी, पशुआं तों भी वाधू हो जाएगी, तू रोटी दी गल करदा है। बाबा आनंद सिंह दतार ने गुरु नानक दा घर है, बाबा ये मत भुलेखा समझो कि रोटियां दे काम इतों के साडे सिर ते आए, इतने तो कई साडे वर्गे आए तो कई गए, ये बाबे नानक दियां जिहड़ियां करामातां ने, ये तो अतुट लंगर ने, ये मुकदे नहीं वधदे जांदे आ, तोड़ ना आवे वध हो जाए। धन बाबा कुंदन सिंह जी, धन उन्होंने कमाई की गुरु के हुक्म की बचन की, नहीं माया मगर लगे। नानक साहब दे जिहड़ा ठाठ है ना, सारे चढ़ावे प्रसाद उत्थे चढ़दे सी, जा बाबा ईश्वर सिंह जी दे अंदर आसन ते, बाबा जी कुंदन सिंह महाराज कहिंदे छड्डो, गुरु साहब की सेवा वड्डी है, इधर परां नूं चले गए।
ना उथी कमरा ना कोई काई खड़ी दब खड़ी बहुत वड्डी वड्डी टोए उदो लैटरन बाथरूम नहीं होंदे सी सारे गंदगी उस पास ही जांदे सी जिन्ने भी जांदे सी लैटरन बाथरूम वास्ते सारे वो जिथे बाबा कुंदन सिंह का बाग बनिया उत्थे जांदे सी कोई पता नहीं बिख चो अमृत प्रकट हो जाना है केंद्र ने फे फकर को करना उदेश चाहिए भावें हालों ही हाल बेहाल होवे उतना किसे दे पास ना माल भरिया जितना फकर दे पास माल होवे ओ गैर नज़र दे नाल ना मूल तकी मता उसदा रिदा कमाल होवे संत रेण ना निंदिए गोदड़ी नूं मता गोदड़ी दे विच लाल होवे पता नहीं सी कि जड़े सारे जड़े पासे गंदगी करन जांदे आ फालतू जगह छड़ी है गंद वास्ते ओ जगह ते कोई महापुरश प्रगट होणगे ते सारी दुनिया दा गंद चक देणगे आखो सी बेकार कर देणगे दिलां दे मन जिन्नू मर्जी लो मगर जिंदे मर्जी ला लो तुहाडे काम क्रोध मोह हंकार नहीं टुटने होर वधणगे लालसा नहीं घटेगी वधेगी वकार कौन कढेगा अंदरले गंद कौन कढेगा उहदा बाबा कुंदन सिंह दी ड्यूटी लगी जिहड़े हिरदिआं नूं पवित्र कर दिंदे ने मना दे गंद चक दिंदे ने कहिंदे ने उह ने जेडे लोहे नू सोना बनाउंदी आ जेडे रिंड नू जेडे दरख्त किसे काम दे नहीं उन्हां नूं महक दे दिंदी आ निम महक आई चंदन वास निम महक आई चंदन सी रामानंद जी कबीर सी जलाहा केंद्र ने रामानंद दे चरण शो मिल गए गुरु दे बचन नाल राम राम जप लिया वो निम महका मारन लग पई चंदन वास निम महक आई अज चंदन दी वासना नाल निम भी महका मार दी कौड़ी निम तुम चंदन हम रिंड बापरे चंदन बन जांदे ने चंदन कोल वसदे जेड़े चंदन बन जांदे ने चंदन कोल वसदे जेड़े चंदन बन जांदे ने चंदन कोल वसदे जेड़े चंदन बन जाते 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 ने चंदन बन जाते ने चंदन कोल वसदे जेड़े चंदन बन जाते ने चंदन कोल वसदे जेड़े चंदन बन जाते ने चंदन कोल वसदे जेड़े सारी उम्र कदी किदे बाबा महार नाम सिंह जी ने तप किया बंदगी की कोई टिकाणा नहीं कोई कारण नहीं हुण उमरा दे हिसाब नाल क्या टेक के बैठीए किते इत्थों दा प्रेमी सी बाबा ठाकरा सिंह सेमे दा
उन्हें देखिया मां पुरशे बड़ी कमाई वाले आ घरे ना ले चलना, कहिंदे भाई संभाल लेंगा साजी पानी पूनी बहुत वरतदे आ, लंगर पानी तो असी एक बारी छकदे आ, पर असी किसे सिमरन दा किसे साधना दा भगती दा अभ्यास करना है उन्हों दो तीन साल लग सकते हैं। चल लेंगा कहिंदा बाबा जी मैं तन मन वार देंगा। घरवाली ने भी बड़ा आख्या जी ऐसे महापुरश, जो बाबा जी चवारे च रह गए चवारा अजे भी है, बैठ गए हुण पानी बहुत डोलते हैं इशनान करते हैं, गली सारी जे चिक्कड़ हो जाता है, पिंड वाले कट्ठे आ हो के आ गए भी इन्ना तू पानी रोड़दा है इन्ना चिक्कड़ मारदा असी तां गली च लंघणों भी परेशान हो गए, कौन तेरे घर ऐसा आया उन्हूं घरों कढ। पिंड वाले कट्ठे हो गए ते बाबा महाराज बाबा जी जानदे सी, बाबा जी कहिंदे ठाकरा से हुण तेरे बस नहीं, पिंड वाले तेरे सारे उल्ट हो गया, कोई नहीं तेरे नाल साडा प्रेम ही है ते असी हुण किते बाहर बैठांगे जाके। इन्नी कमाई निरंकार दा सरूप, पिंड वाले कि कढो साध नूं इत्थों, कौन जानदा महापुरखां नूं। ओ जेड़े कौड़ियां खरीदन वाले लालां दी की सार जानदे, जेड़े कौड़ियां खरीदन वाले ओ लालां दी की सार जानदे, जेड़े कौड़ियां खरीदन वाले लालां दी की सार जानदे, जेड़े कौड़ियां खरीदन वाले लालां दी की सार जानदे। ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆ ਜਾ ਬੜੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਠੰਡੀ ਛਾਵੇਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਬਿਠਾ ਤਾ, ਬੜਾ ਝੁੰਡ ਸੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੱਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਰੂਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੱਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੌਤਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਮਿਲੀ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਇਹ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਬੇ ਠਾਕਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਰਸ ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਸੇਮੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਵਾਲੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਡੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਿਤੇ, ਉੱਧਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੂਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਇਕੱਲੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਵੇਂ ਭਾਈ ਛੱਡ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰਖ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਰੇਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ,
जिथे दूसरा मट बने है। एक मट इधर निशानी सी बनाई सी मट उन्हों केंद्र असी हूँ उत्थे बड़ी यादगारा बना दियां ने बना रहे हैं बाकी कुछ रहिंदियां उन्हें घसीटिया से जाके उत्थे छड़ता वह भी जगह थोड़ी बेबा सी दरख्त करीर वगैरह सारे दरख्त खड़े सी बाबा जी उत्थे पाणी विच रहे बैठ के। दूजे दिन बाबा जी कहिंदे जिवें तू सानू घसीटिया है ना ते तैयारी कर ला भाई तेरा भी समा आने वाला ही है। बस दूसरे दिन ही उनका बल्द पुसर गया बादा पुत्र गया तो उन्हें उन्हों सिंगा दे चक लिया चक के जिथे डिगदा फिर सिंगा दे चक के जाके पिंड सिट के आया शायद मर गया जा किवें जिवें उन्हें बाबा जी नूं कढ़िया सी खेत चों उवें उन्हों उनके बल्द ने सिंगा दे चक चक के मार के ते घसीट के कढ़िया कहिंदे आहे जे संतां नाल कोई नहीं ते संतां नाल ओ हैगा परमात्मा तुसी जो भी कर लोगे ओ महापुरख झल लैणगे पर जदों ओ करेगा उदों झल्लिया नहीं जाणा। ते बाबा जी फिर उस थां ते फिर रूनमी साहब डेरा लाया उस मर तो फिर 12 साल बाबा जी उत्थे रहे ते आख्या निरंकार नूं हुण भी शरीर बिरद हो गया है सानू कोई हुण टिकाणा बख्श दिओ जिथे बह जाइए जिथे हुक्म करो। ते काल पुरख वल्लों बाबा जी कहिंदे फिर सानू फरमान होया कि जगह तीन ने एक पटियाले दे इलाके च एक दमदमदा साहब च एक पुच्चो दे विच जिहड़ा पिंड भाई भगतू जी दा है सारा पुच्चो पिंड भाई भगतू जी ने बनिया है किला बनाया है कच्ची पुच्चो सारी भाई भगतू जी ने वरसाई है ये उन्हां दे पोतरे ने दयालदास ने सारा पिंड वसाया है। ते भाई भगतू जी गुरु रामदास जी दे चौथे पुत्र सी दात विच बख्शिश भी दिते सी ये भाई भगतू जी पुच्चो दे सी जिन्हां ने सारे उस मालवे दे इलाके नूं सारे पिंडां च भाई साहब हो गई ते भाई जी दी सारी संगत हो गई सारे पुत्रां ने अगे बड़े परिवार वधे राजे महाराजे फरीदकोट वाले सारे सरदार इन्हां दे औलाद विच्चों ही बने भाई भगतू जी ते ਉਹ ਟਿੱਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਣ ਕੇ ਹੀ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸੀ ਉਹ ਟਿੱਲੇ 'ਤੇ ਕੋਠਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪੁੱਛੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਲਾ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਖਤੇ ਆਣਾ ਤਲਾਬ ਛੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਟਿੱਲਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਟਿੱਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਖੋ ਸੀ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ ਆਖੋ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀਏ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਚੌਂ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂ ਕੁੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਹੁਕਮ ਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲ। ਹੋਰ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ, ਹੋਰ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਕਜ ਕਿਰਪਾਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ, ਹਰ ਕਿਰਪਾਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ, ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਹਿਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂ, ਜੀ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਨੇ ਡੈ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਰੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਹਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਰੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਹਾਲ, ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਓਂਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ, ਅਣਦ ਕਰਹਿ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ, ਅਣਦ ਕਰਹਿ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸੰਤੋ ਸੁਖ ਹੋ ਆ ਸਭ ਥਾਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਰਵ ਰਹੇ ਆ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ਰਹਾਉ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ।